ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री सत्यजीत राय की मूल बंगला कहानी, फटिक चंद के बंगला रेडियो नाट्य रूपांतर का हिंदी अनुवाद, फटिक चंद। बंगला रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं श्रीमती तृप्ति मित्र। तो सुनिए ये नाटक फटिक चंद। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। ले ले, हट पकड़, आजा। क्यों बे लड़के, घर से मरने के लिए निकला था क्या? अरे बोलता क्यों नहीं? पैसा छापड़ दूंगा कि 32 दांत बाहर आ जाएंगे। रेलगाड़ी में चढ़ना भी क्या मजाक है? अगर मैं पकड़ कर खींचना लेता तो गाड़ी के पहियों के नीचे टुकड़े टुकड़े हो जाता। किस्मत अच्छी थी जो बच गया। कौन है तू? मालूम नहीं। हाँ भाई साहब, थोड़ी सी जगह दे दीजिए, इस लड़के को अपने पास बैठा लूं जरा। बस 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 बस, काफी है, बहुत मेहरबानी। लड़के बैठे हैं। अरे बाप रे बाप। हाँ तो क्या कह रहा था कि तुझे मालूम नहीं तू कौन है? बड़ा चालाक बनता है क्या? पुलिस से बच के भागा है क्या? माल इधर उधर करने का धंधा करता है? नहीं, शक्ल सूरत से तो तू भले घर का लड़का जान पड़ता है। घर से भाग कर आया क्या? अरे अरे डरता क्यों है बताना। अरे अरे तेरी तरह मैं भी घर से भागा हुआ लड़का हूँ। हाँ बहुत पहले भागा था। क्या नाम है रे तेरा? अरे डर नहीं मुझसे, बताना क्या नाम है। फटी। गोत्र? गोत्र? अब मतलब कि तेरा सरनेम क्या है? फटिक चंदपाल। झूठ। तू जिस भले घर का लड़का जान पड़ता है उस घर से फटिक चंद जैसा नाम सिराजुद्दौला के जमाने से उठ गया था। फिर भी तूने तुरंत नाम बदल कर बताने की जो चालाकी की है उससे लगता है कि तू भी इस हारून की तरह आर्टिस्ट है। ले इसी बात पर हाथ मिला। अरे ये क्या, तेरा हाथ तो बहुत नरम है। इसका मतलब है कि तेरी जिंदगी में बस का रॉड पकड़कर सफर करने की कभी नौबत ही नहीं आई। तेरी कमीज और पैंट का कपड़ा भी काफी कीमती जान पड़ता है। दोस्त ज्यादा चालाक मत बन, सच सच बता तो तू कौन है। मुझे कुछ याद नहीं, सच कहता हूँ मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। अरे सर में ये चोट कैसे लगी और कोहनी में ये घाव कैसा? यहाँ घुटने में भी। अच्छा बोल, ये चोटे कैसे लगी, कहाँ लगी? मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझसे डरने की कोई बात नहीं, याद करके बताना। मुझे बस इतना याद है कि मैं सो रहा था जब अचानक नींद टूटी तो देखा कि सड़क के किनारे एक कार टूटी हुई पड़ी है। मैं चल नहीं पा रहा था, बहुत भूख लगी थी इसलिए चलता रहा। कुछ देर बाद मैंने एक अमरूद का पेड़ देखा। मैंने अमरूद तोड़ के खाया और चल दिया। मुझे फिर नींद आने लगी, मैं रास्ते में ही लेट गया। तब तक देखा कि पगड़ी वाला आदमी दूध का एक गिलास लेकर मेरे सामने खड़ा है। अहले पुत्र दूध पी ले। ओए गरम दूध है, हाँ पी ले। ओए बहुत अच्छे, शाबाश। ओए हुण गिलास मैनू दे दे। की नाम है तेरा? मालूम नहीं। खोका, तेनू अपना नाम भी मालूम नहीं? ओ तेरा घर किथे है? मालूम नहीं। ओए चोट किस तरह लगी? मालूम नहीं। ओ तेरे नाल कोई होर भी था क्या? मालूम नहीं। क्या बात है भाई साहब, ये लड़का कौन है? पता नहीं दादा, ट्रक लेके जा रहा था कि अचानक वेखिया कि सड़क के किनारे लड़का सो रहा है।
रहम खा के मैं ट्रक रोकिया ते फिर इस बेहोश मुंडे नु लै के एथे आ गया। हुण इस चाह दी दुकान तो दूध लै के इनू पिला रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मालूम नहीं। ओए सब तो मैं पहले ही पूछ चुके हैं बाऊ जी। मालूम नहीं दे सिवा कुछ बोलता ही नहीं। मालूम नहीं का क्या मतलब? भूल गया है क्या? हाँ। ये तुम्हारी कुहनी के पास घाव है और भी कहीं चोट लगी है? घुटने में। और सिर में। ओह देखूं? बहुत दुखता है। सिर में काफी सूजन है, थोड़ा कट भी गया है। इसे जल्दी ही किसी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। आसे पासे तो कोई डॉक्टर नहीं बाबूजी, कित्थे ले जावा इसे? ये लड़का किसी भले घर का जान पड़ता है। सुनिए मेरे पास कार है और मैं पास के शहर खड़गपुर जा रहा हूँ, वहां मैं इसे किसी डॉक्टर को दिखा दूंगा। तुहाड़ी बड़ी मेहरबानी दादा, चलो इसे तुहाड़ी गड्डी विच बिठा देवा। और हाँ, खड़गपुर दे डॉक्टर नू दिखाण दे बाद इनू थाने जरूर ले जाना, मामला कुछ गड़बड़ जान पड़ता है। ओ। अच्छा तो मैं चलदा। ओए पुत्र मालूम नहीं चलदा, खुश रहवी। अब हम भी चलते हैं। बेटे आराम से बैठो। हाँ तुम कलकत्ते में रहते हो क्या? मालूम नहीं, आप मुझे थाने में ले जाएंगे क्या? तुम्हारा तो कोई इंतजाम करना होगा ना। पहले तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैं थाने नहीं जाऊंगा। पुलिस की मदद के बगैर तुम अपने घर कैसे पहुंच पाओगे? नहीं नहीं, मुझे पुलिस वाले अच्छे नहीं लगते। क्यों भाई, पुलिस वाले तो कोई बुरे नहीं होते। कुछ भी हो मैं नहीं जाऊंगा थाने। अच्छा अच्छा बेटा, चिंता ना करो। ये लो, हम खड़गपुर पहुंच गए और वो रहा रेलवे स्टेशन, और यहीं बाजार में है डॉक्टर का क्लिनिक। आओ मेरे साथ अंदर आओ। डॉक्टर बाबू, ओ डॉक्टर बाबू। आइए आइए अमरनाथ बाबू। नमस्कार, इस लड़के को जरा अच्छी तरह देखिए तो डॉक्टर बाबू, लगता है एक्सीडेंट से चोट आ गई है। ओहो, इसे तो कई जगह चोट आई है। अरे सुनते हो राम, टिंचर आईडीन रुई सब दे जा। क्यों बेटा, क्या हुआ था तुम्हें? इसे कुछ याद नहीं, लगता है जैसे इसकी याददाश्त खो गई है। अच्छा, आप जरा इसका हाथ पकड़े तो लीजिए। और जरा। बस बेटा। और जरा। बस बस ये सब ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर बाबू बताइए तो आपके यहाँ का थाना किधर है? मैं जरा बाथरूम जाऊंगा। हाँ हाँ बेटा आओ मेरे साथ। देखो इस बरामदे से होकर सीधे इधर दरवाजे की ओर चले जाओ। उसके बाद बाथरूम में घुसकर मैंने भीतर से कुंडी लगा दी, फिर मैं खिड़की से कूद गया और फिर लोगों की नजर से बचाता हुआ मैं रेलवे स्टेशन की ओर लगा, और इसके बाद चलते हुए ट्रेन और तुम। सुन फटिक, क्या तुझे अपने पहले के जीवन की कोई भी बात याद नहीं? नहीं। अच्छा ये फटिक चंद पाल नाम किसने दिया? स्टेशन की ओर आते हुए मैंने एक दुकान के साइन बोर्ड पर ये नाम देखा था। ये गाड़ी कहाँ जा रही है? कलकत्ता। कलकत्ते में तुम्हारा कुछ इंतजाम करना होगा। तुम कलकत्ते में रहते हो? पहले रहता था, कुछ अरसे के लिए बाहर चला गया था, अब फिर वापस कलकत्ता जा रहा हूँ। मैं जादू का तमाशा दिखाता हूँ। जादू का तमाशा? हाँ, रथ के मेले में, चड़क के मेले में और भी कितनी जगह पर जादू के खेल दिखाकर रोटी कमाता हूँ। अभी कोयम्बटूर से आ रहा हूँ, वहाँ वेंकटेश सर्कस में खेल दिखाता था,
वेंकटेश का वो अपना सर्कस है, उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। उसने कहा है चांस मिलने पर फिर बुलाएगा। कुछ भी हो, कलकत्ते में मैं शहीद मीनार के नीचे घास पर तमाशा दिखाऊंगा। उपेन भाई से कहकर तेरा भी कहीं ठौर ठिकाना कर दूंगा। ठौर ठिकाना? ठौर ठिकाना का मतलब नहीं जानता? लगता है साहबों के स्कूल में पढ़ा है। क्यों? मालूम नहीं। देख फटिक, नियम के अनुसार कलकत्ते पहुंचते ही तुझे पुलिस के हवाले कर देना नहीं, चाहिए। नहीं नहीं नहीं। जानता हूँ, आर्टिस्टों के नियम औरों से कुछ अलग होते हैं। मेरी तरह तू भी आर्टिस्ट है ना? अगर शुरू से मैं नियम मानता तो तेरे साथ इस थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठकर बात नहीं करता। नियम मानने पर ये अरुण मुस्ताफी उर्फ हारून इस वक्त शायद किसी बड़ी आकार में। खैर हटाओ। लेकिन तुमने बताया नहीं कि ठौर ठिकाना किसे कहते हैं? ओ हाँ, ठौर ठिकाना का मतलब है रोजी रोटी की व्यवस्था। अपने उपेन भाई का अपना एक छोटा सा रेस्तोरां है, वहीं तेरे लिए कुछ। इंस्पेक्टर साहब, आपका है पुलिस का महकमा। सान्याल साहब, आप इतने परेशान ना हो, हमारी पूरी पुलिस फोर्स आपके लड़के को ढूंढने की कोशिश कर रही है। खाक कर रही है इंस्पेक्टर, मेरा लड़का कहाँ है, किस हालत में है, अभी तक आप मुझे नहीं बतला पा रहे हैं। बात यह है मिस्टर सान्याल, इंस्पेक्टर आप एक ही बात कहेंगे और वह हमें मालूम है। चार आदमियों ने मेरे बाबलू को किडनैप किया था, वे एक नीली कार में घाटशिला से आगे मानभूम की ओर जा रहे थे। सिंहभूम की ओर? एक ही बात है, आधी रात के समय एक लॉरी उस कार को धक्का मारकर भाग गई। जी हाँ। और एक्सीडेंट में मेरे बेटे को किडनैप करने वाले वे चारों आदमी मर जाते हैं। जी नहीं, दो आदमी मरते हैं, बंकू घोष और नारायण कर्म का, जैसा कि आपने मुझे फोन पर बताया था। मतलब यह कि गिरोह का सरदार अभी जिंदा है और उसका असली नाम पुलिस को मालूम नहीं? वैसे किस नाम से उसे जानते हैं आप लोग? सैमसन। और उसका दूसरा साथी जो जिंदा है? रघुनाथ। यह भी तो छद्म नाम हो सकता है। हो सकता है। आप लोगों की बातों से तो यही साबित होता है कि यही सैमसन और रघुनाथ बाबलू को किडनैप करके भागे थे और बाबलू अब उन्हीं के कब्जे में। नहीं नहीं मिस्टर सान्याल, एक आशा की किरण दिखाई पड़ती है। इंस्पेक्टर यह सब किरण विरण छोड़िए, साफ साफ बताइए। सान्याल साहब, ये रिपोर्ट मिली है कि अमरनाथ गुई नाम के एक सज्जन अपनी कार में खड़गपुर जा रहे थे, वहां उनकी पत्नी और उनका एक लड़का। इंस्पेक्टर, अमरनाथ गुई के परिवार का ब्यौरा नहीं चाहिए, बाबलू की खबर चाहिए। वही बता रहा हूँ सर, बाबलू से मिलते जुलते हुलिये वाले एक लड़के को अमरनाथ गुई ने सड़क से उठाकर अपनी कार में डाला। खड़गपुर पहुंचकर वो उस लड़के को डॉक्टर के पास ले गया फर्स्ट एड के लिए, लेकिन वो लड़का बाथरूम जाने का बहाना करके वहां से भाग गया। होपलेस। इंस्पेक्टर साहब, अगर वह लड़का हमारा बाबलू होता तो वह उस अमरनाथ गुई और डॉक्टर को अपना नाम पता जरूर बता देता। नहीं नहीं, वो लड़का हमारा बाबलू नहीं हो सकता। रिपोर्ट के अनुसार वो लड़का अपनी याददाश्त खो चुका है, मतलब ये कि लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी? हाँ मिस्टर सान्याल, और सब बातें मिलती हैं। आपने जो बाबलू का हुलिया बताया था। हाँ हाँ, गोरा रंग, दोहरा बदन, घुंघराले बाल और नीली पैंट, सफेद शर्ट। और इंस्पेक्टर, बाबलू की खातिर मैं 3 दिन से कोर्ट नहीं गया, पर आज मुझे कोर्ट जाना ही होगा। बाबलू के गुम होने की खबर पाकर मेरा बड़ा लड़का बंबई से आ रहा है, मझला खड़गपुर से। सभी का चिंता कि हमारे बुरा हाल है, और सबसे ज्यादा बुरा हाल तो माँ का है। वो तो होगा ही, माँ का प्राण तो आप जाने अपने बेटे में ही बसे। बाबलू की माँ नहीं, मेरी माँ। बाबलू को उसकी दादी ने ही पाला पोसा है। खैर छोड़िए यह सब। इंस्पेक्टर, मुझे अपना लड़का चाहिए। वे बदमाश यदि रुपये पैसे की मांग करते हैं तो मैं बड़ी से बड़ी रकम देने को तैयार हूँ। बाद में वे गिरफ्तार होते हैं या नहीं, यह सरदर्द आप लोगों का है। I don't care. अरे ओ जोशी महाराज, अरे ओ जोशी महाराज। कौन? तुम कौन हो बेटा? मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्या दद्दा? नहीं तो? हाँ, मुझे क्यों पहचानोगे, दाढ़ी मुझे मुड़वाने से मेरा हुलिया ही जो बदल गया है। खैर
तुम्हें सैमसन का नाम तो जरूर याद होगा। हाँ बेटा याद है, तुम सैमसन हो क्या? हाँ। अब बताओ दद्दा, अगर जेब काटने का ही धंधा करना है तो सीधे ढंग से करते, इस बुढ़ापे में ज्योतिषी का ढोंग रचने की क्या जरूरत है? क्यों बेटा, मैंने क्या किया है? क्या किया है? तुमने उस दिन बताया था कि आषाढ़ की 7वीं तारीख को किसी बड़े काम में हाथ डालने से सफलता निश्चित है, 10 रुपया भी दिया लेकिन काम नहीं बना। क्या मतलब? जानते हो क्या हुआ? जिस कार में मैं माल ले जा रहा था, एक्सीडेंट में वो कार ही नष्ट हो गई। यही नहीं, हाथ आया माल भी चंपत हो गया और 2 शागिर्द भी मर गए। अगर तुम सच्चे ज्योतिषी होते तो आने वाली ये सब मुसीबतें हमें पहले से बता देते। क्यों? हम ज्योतिषी लोग भगवान तो नहीं है बेटा। तो बुढ़े भगवान न होने का तुम्हें हर्जाना देना होगा। अरे मेरा गला क्यों पकड़ते हो? छोड़ो ना। छोड़ता हूँ। 10 × 10 = 100। ला मेरे 100 रुपए वरना मार मार कर। मुझे मारो मत बेटा, जितना रुपया चाहिए ले लो। रुपया बुढ़े के बच्चे, फिर किसी को गलत भविष्य फल बताया तो नहीं। अरे हारून तुम आओ आओ, बताओ क्या खबर है? खबर ही तो लेने आया हूँ उपेन भाई। खबर बहुत अच्छी है, मेरे रेस्तरां में काम करने के लिए बड़ा अच्छा लड़का दिया है तुमने। इन 5 दिनों में सारा काम सीख गया। वो देखो ग्राहकों के लिए किस तरह कप के ऊपर कप रख कर ले जा रहा है। वाकई तुम ठीक कह रहे हो फटीक। अरे हारून भाई। उपेन भाई, इससे 5 मिनट कुछ अलग से बात करनी है। हाँ हाँ, जाओ ना उधर पिछवाड़े चले जाओ। अरे फटीक के कमरे में, इसका काम मैं यहाँ देख लूंगा। चल फटीक। क्यों फटीक, रेस्तरां का काम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हरिन भाई। अरे मैं देख रहा हूँ मेरी खरीदी हुई बनियान और निक्कर में तो खूब जच रहा है। और ये कटे बाल एकदम फर्स्ट क्लास। अब तू एकदम रेस्तरां का बैरा जान पड़ता है। अब तेरे फटीक नाम पर कोई अविश्वास नहीं करेगा। लेकिन अरुण भाई। क्या बात है रे? अरे बोलना क्या बात है? बहुत मच्छर है। देखो मेरे हाथ बाजू और गर्दन। इसका भी उपाय हो जाएगा। उपेन भाई से एक मच्छरदानी खरीदने को कह दूंगा। और हाँ फटीक, कार के एक्सीडेंट के पहले की बातें क्या तुझे अभी याद नहीं आ रही है? नहीं, जब याद करने की कोशिश करता हूँ तो सिर चकराने लगता है। तो फिर छोड़। दरअसल जो चीज नहीं है, जो चीज शून्य है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। समय आने पर सब अपने आप याद आ जाएगा। क्यों हारून, बात हो गई? उपेन भाई, फटीक को एक मच्छरदानी खरीद देना। उसके बदन में मच्छरों के काटने से चकते पड़ गए हैं। अरे इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बहुत ही भोला और शर्मीला लड़का है। और हाँ सुनो उपेन भाई, कल रविवार है, कल तुम्हारा रेस्तरां बंद रहेगा है ना? तो कल मैं फटीक को अपने साथ ले जाऊंगा। कल मुझे शहीद मीनार के नीचे अपना तमाशा दिखाना है। फटीक मेरा शागिर्द बनेगा। अरे ये लड़का तुम्हारा बहुत अच्छा शागिर्द साबित होगा। रविवार को इसी शहीद मीनार के नीचे। हरुण भाई, वो लड़का मिट्टी में सर क्यों गड़ाए हुए, वो कहीं मर न जाए। फटीक, यहाँ मैदान में कोई मरने नहीं आता रे। यहाँ आकर लोग जो कुछ करते हैं जिंदा रहने के लिए ही करते हैं, यही उनका रोजगार है और सब कुछ अभ्यास पर निर्भर करता है। वो
देखो, वो आदमी रस्सी में बैलेंस कर रहा है और इधर वो देखो रिंग के भीतर से कूद रहा है। इस तरह के खेल तो सर्कस में दिखाते हैं अरुण भाई। क्या तुमने कभी सर्कस देखा है? कुछ याद पड़ता है पटेल? हाँ, क्यों रे चुप क्यों हो गया? कुछ कुछ याद आया? हाँ, कुछ याद आ रहा था लेकिन फिर सब कुछ भूल गया। खैर हटाओ, देख यही है मेरे तमाशे की जगह। लेकिन हन भाई यहाँ तो कोई लोग ही नहीं है। लोग आएंगे, अपने आप आएंगे। लोगों को बुलाने का भी एक तरीका है। ले इस थैले से सारी चीजें निकाल कर यहाँ जमीन पर सजा के रख दे। उसको वहाँ रख यार। शाबाश बेटा, बाप इतनी सारी चीजें भाग भाग की। ये सब जगलिंग की चीजें हैं। ऐसा खेल दिखाऊंगा कि सब दंग रह जाएंगे। लोग नहीं आएंगे क्या? अरे अभी बुलाता हूँ। ले ये पकड़ और थाली मुझे दे दे। छू मंत्र जंतर बंतर, हर बीमारी दूर कर अंतर, सात समुंदर बारह बंदर, चालीस छुआ छू छू चंदर छू। कम 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 सी खेल चमत्कारी, हर किस्म की जादूगरी, कलकत्ते का खेल खिलाड़ी, लंबी दाढ़ी लॉन्ग सुपारी, कम 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 हारून भाई के पास कम। आइए भाई साहब, बहन जी आइए, हारून भाई का खेल देखिए। बच्चा तेरा नाम क्या है? तेरा नाम मुनिया मुन्ना नहीं, तेरा नाम चुनिया। तो चुनिया देख हारून भाई का खेल। आज छुरी का खेल देखिए भाई साहब। ये रही चार छुरिया और ये जाएगी आसमान की तरफ और लौट आएगी हारून भाई की तरफ। तो ये गई पहली नंबर छुरी, वो गई। और ये रहा दूसरे नंबर की छुरी, वो भी चली गई। और ये गई तीसरी और ये रही चौथी छुरी। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी भाई साहब, बहुत मेहरबानी। जल्दी से जल्दी से ले, हाथ दादी जा रहा है बच्चा हमारा। अरे बहुत मेहरबानी बहन जी, फिर आइएगा बच्चे लोग, फिर से आना, सब आइएगा, हारून भाई का खेल देखिएगा। फटेक उधर जा, जल्दी जल्दी बहन जी पैसे दे रही है। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी साहब, बहुत मेहरबानी, फिर से आइएगा। अरे फटेक उठा उठा उठा, वो पैसा पड़ा हुआ, और वो वहां से उठा ले वो वाला। अरे वाह शाबाश बेटे, समेट लिया सब कुछ। हरुण भाई तुम यही रहते हो क्या? हाँ यही मेरा डेरा है। वो किसकी फोटो है अरुण भाई? एनरिको रोस्टेली की, एक नंबर का इटालियन मदारी। तुमने उसे देखा है? धत, उसे मरे तो 100 साल हो गए। दे पैसे मुझे दे दे। लो। आज तो काफी हो गया है, 5 पैसे और 10-15। अरे वाह बहुत, अरे पटी आज तो खूब घूमेंगे। फटिक बाहर खिड़की से क्या देख रहा है? हरुण भाई दो आदमी चाय की दुकान पर आए थे, वहीं अब बाहर सड़क पर खड़े हैं। रुक तो जरा, मैं देखता हूँ उन्हें। चेहरा जाना पहचाना सा लगता है, बाल छटवा दिए हैं, मूछे मुड़वा दी है, फिर भी पहचान में आता है। कौन है ये लोग? एक तो श्यामलाल है और दूसरा उसका शागिर्द, नाम नहीं जानता मगर दोनों नामी गुंडे हैं। उपेन भाई की दुकान पर भी क्या यही दोनों आए थे? हाँ हरुण भाई, मैं एक टेबल पर आमलेट देने जा रहा था कि इन्होंने मुझे बुलाया। अरे लड़के सुनो तो। आ रहा हूँ बाबू। कहिए क्या लेंगे? बताता हूँ, तुम कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हो? बहुत दिनों से। बहुत दिनों से? तुम्हारा नाम क्या है? फटेक चंद। फटेक चंद, बाल कब कटवाया था? बहुत पहले। बहुत घुटने में चोट कैसे लगी?
ऑमलेट होगा। आप क्या खाएंगे बाबू? 7 नंबर पर चाय देना है। अरे क्या हुआ, क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं मैनेजर साहब। बाबू ऑर्डर नहीं देंगे क्या? हाँ हाँ, 2 डबल हाफ और 2 ऑमलेट। और उसके बाद वे जब तक रेस्टोरेंट में रहे मुझे खूटते रहे। मैंने जो समझा था वही बात है। सुन फटिक, क्या तू किसी करोड़पति बाप का बेटा है? तुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा। लगता है तुझे तेरे घर तक पहुंचाने में मुझे काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। श्यामलाल सीधा आदमी नहीं है। फटिक सुन, मैं तुझे पीछे के दरवाजे से ना बाहर ले जाऊंगा। वो अपने साथियों के साथ बाहर ही खड़ा होगा। ठीक है, देखता हूं तू कब तक खड़ा रहेगा शामू। अभी आप श्री सत्यजीत राय की मूल बंगला कहानी फटिक चंद के बंगला रेडियो नाट्य रूपांतर का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। फटिक चंद विभिन्न भूमिकाओं में थे। फटिक चंद कुमारी कल्पना मिश्र, हारून श्री कल्याण चटर्जी, मिस्टर सान्याल श्री श्यामानंद जालान, इंस्पेक्टर श्री कृष्ण कुमार, ट्रक ड्राइवर श्री मदन सूदन, सन्याल फैमिली डॉक्टर श्री प्रीतम खन्ना, ज्योतिषी श्री मनमोहन ठाकुर, सैमसन श्री कुशेश्वर महतो, अमरनाथ गुई श्री अंजन कुमार श्रीवास्तव, खड़गपुर के डॉक्टर श्री महेश चंद्र दीक्षित, सुधींद्र श्री राजीव वोरा और अन्य सहयोगी कलाकारों में थे श्रीमती बीजुरानी पाल, श्रीमती सविता गांधी, श्री रंजित कुमार और श्री राकेश कुमार। हिंदी अनुवादक थे श्री छविनाथ मिश्र। संगीत श्री प्रबीर मजुमदार का था और ध्वनि संपादक थे श्री समरेश घोष। बंगला रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक थीं श्रीमती तृप्ति मित्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के कलकत्ता केंद्र पर तैयार किया गया। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।